सावधान, बोलना भाव ना पसारे, उसके लिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको अलर्ट रहना होगा। पुलिस प्रशासन और निगम कर्मियों का सहयोग करे, आज हम सब मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई को। दिल्ली के भीड़भाड़ भरे सदर बाजार में मुनादी करके कोरोना से बचने की अपील की जा रही है। पुलिस की सख्ती के साथ सिविक एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि ये भीड़ खतरा लेकर आ सकती है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। रविवार को दिल्ली में 1881 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की जान चली गई। 3.5 महीने में नए केस सबसे ज्यादा रहे। तमाम राज्य सरकारों ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की लोग सामूहिक तौर पर होली न खेलें, बड़े समारोह का आयोजन न करें। अगर आपको दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग नहीं उतरे हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो RW हैं, वहां होली की आपको ऐसी तस्वीर जरूर दिखाई देगी। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों का कोरोना चार्ट देखिए। बुधवार को 1254 केस सामने आए थे, गुरुवार को 1515 केस आए और शुक्रवार को बढ़कर 1534, शनिवार को तादाद 1558 तक पहुंच गई और रविवार को सबसे ज्यादा 1881 मामले सामने आए। कल दिल्ली में 1558 पॉजिटिव केसेस आए थे और पॉजिटिविटी 2% के आसपास चल रही है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर और पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भी जहां पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली में हाल ये है कि पुलिस चेता रही है कि सड़कों पर होली खेली तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर होली खेलता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ में रहकर लोग होली बिल्कुल न खेलें।